बड़वा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नगर के 18 वार्डों में दावेदार भाजपा और कांग्रेस की टिकट प्राप्त करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इसके पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा था, इसे बरकरार रखने के लिए सभी दावेदारों ने अपनी सहमति बनाकर रायशुमारी के लिए कांग्रेस के आला नेताओं ने सुधारपुर के विधायक प्रताप ग्रेवाल को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। महेश्वर रोड के अग्रसेन भवन में बैठक का दौर चल रहा था। शक्ति प्रदर्शन के लिए कुछ दावेदार ढोल धमाकों की तो कुछ कार्यकर्ताओं की फौज लेकर मीटिंग में पहुंचे। ऐसे ही वार्ड क्रमांक 17 के दावेदार और पूर्व पार्षद शहजाद खान बड़ी संख्या में 2, 3 और 4 पहिया वाहनों के साथ मीटिंग में पहुंचे, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद शहजाद खान गुस्से में तमतमाते हुए अपने समर्थकों के साथ बाहर निकल गए। इस दौरान उन्होंने बाहर खड़े अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मायूस नहीं होना है, चुनाव हर हाल में लड़ा जाएगा। इस पर समर्थकों ने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मायूस होने की जरूरत नहीं है, चुनाव हर हालत में लड़ा जाएगा। चुनाव हर हालत में। देश के नगरी चुनाव को लेकर के आज बड़वा में शहर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगरी निकाय को चुनाव को लेकर के बैठक आयोजित की। देखिए, कांग्रेस बड़वा शहर का अगर हम इतिहास खंगाले तो यहाँ के कई वरिष्ठ नेता कई वर्षों तक नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा रहा है और बड़वा शहर में कांग्रेस मजबूत है, मजबूत रहेगी और आने वाले समय में नगरी निकाय के चुनाव में इस बड़वा शहर में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। कोई अगर कोई बात है हम उनसे और बात करेंगे, लेकिन ना कोई मनमुटाव की बात है ना कोई नाराजगी की बात है। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं उनसे अलग से बुला करके उनसे बात, प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया रहेगी, शहर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और जिला कांग्रेस के माध्यम से सर्वे करवाया जाएगा और जो भी 18 वार्ड में जीतने वाला उम्मीदवार होगा उस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस का देश की आज़ादी से लेकर के इस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस और बहुत बड़ी पार्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बड़वा 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस मजबूत रहेगी और आने वाले 2023 में कांग्रेस का झंडा लहराएगा, विधानसभा का प्रत्याशी कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस की जीत होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।